अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज मैं पालक को हार्वेस्ट करने आई हूँ, जो फुली ऑर्गेनिक है, जो मैंने अपने हाथों से इसको लगाया है। इसको मैंने अक्टूबर के महीने में लगाया था और आज जनवरी की महीना शुरू हो चुका है। सोचा कि आज क्लाउडी वेदर है, मौसम अच्छा है, बदल रहा है, क्यों ना ताज़ा ताज़ा फ्रेश पालक डाल के मैं पकौड़े बनाऊं और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करूं। साथ में टमाटर की चटनी बनाऊं, जो कि इमाम दास्ते में कूट के बनता है, ताकि दोनों के कॉम्बिनेशन में हम भरपूर इंजॉय करें। देखें, ये पालक मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है और पालक बता रहा है कि अब मुझे हार्वेस्ट कर लो और इसको इंजॉय करो पूरे तरीके से, जिस तरह से आप चाहें। तो मैं आज मैंने सोच लिया कि मैं इसका पकौड़े बनाऊँगी और अपनी बहनों से शेयर करूँगी। चले मैं इसको हार्वेस्ट करती हूँ। ये मुझे दो से तीन दफ़ा मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ माशाल्लाह। आप देखें, ये मैं चौथी दफ़ा कर रही हूँ, ये तैयार हो गया। देखें, आपके सामने मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने शुरू से, जब से मैंने पालक को लगाया है कंटेनर में, किस तरह से मैंने गार्डनिंग टिप्स किए हैं सब बहनों मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये देखें, मैं धनिया हार्वेस्ट करने आई हूँ, जो कि मैंने ऑर्गेनिक तरीके से लगाया है। अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी अपने मुख्तलिफ डिशों में, चटनी में, पकोड़ों में और जिसमें मैं चाहे इसको इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि धनिया तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और धनिया ना हो तो मेरी कुकिंग में मुझे मज़ा नहीं आता। तो आज सोचा इसको मैं हार्वेस्ट करूँगी, जो कि मैंने अपने हाथों से लगाए और बिल्कुल फुली ऑर्गेनिक है। इसकी तमाम डिटेल के साथ वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है। देखें बहनों, मेरा ये टमाटर बिल्कुल हार्वेस्ट के लायक हो गया माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। पेड़ से पकते जो टमाटर तैयार होते हैं, उसके कलर भी अलग ही होते हैं, उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं इसे चटनी बनाने के लिए हार्वेस्ट करने आई हूँ। देखें, बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है ये पक के। और भी है चटनी के लिए मुझे चाहिए था। देखिए बहनों, ये भी टमाटर तैयार है गोल वाले, अब मैं ये वाला भी उतार दूंगी। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है इसके कलर। बहनों, मैंने चटनी बनाने के लिए तैयारी कर ली है, साथ में टमाटर भी हार्वेस्ट कर लिया है जो कि पेड़ से तैयार हुआ है। अभी मेरे मज़ीद और भी हैं माशाल्लाह से, जो अपने वक्त पे तैयार होंगे। जो तैयार हो गए थे वो मैंने उतार लिए। आगे मैं हरी लहसुन भी हार्वेस्ट करूँगी ताकि मेरी चटनी मज़े की बने। बहनों देखिए, ये मैं हरी लहसुन हार्वेस्ट करने आई हूँ और चटनी बने टमाटर की और लहसुन ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये देखिए, ये देसी लहसुन है। मैंने चटनी बनाने के लिए ये हरी लहसुन जो मैंने खुद लगाया, देसी लहसुन, अब मैंने इसको हार्वेस्ट कर लिया है। इंशाल्लाह ताला ये सब मिलकर जो चटनी तैयार होगी वो बहुत लजीज और बहुत उम्दा होगी। देखिए बहनों, मैं पालक पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ रेसिपी की, और अब मैं डालने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने पालक को बारीक बारीक काट लिया पकौड़ों में बनाने के लिए, बेसन में शामिल करने के लिए इसको। और देखें, ये एक दरमियानी साइज़ के प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काटा है। और देखें, दो तीन मैंने हरी मिर्ची भी डाली हैं बारीक काट के, वो आपकी टेस्ट के मुताबिक आप जितना चाहें डालें। ये देखिए, ये फ्रेश कोरिएंडर है जो कि मैंने अपने हाथों से लगाया और मैंने हार्वेस्ट किया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पकौड़ों की तैयारी में। बाकी और कुछ मसाले हैं ख़ास इसके, ये देखें, धनिए के बीज है दरदरा मैंने कूटा है, ये डालूंगी इसमें एक टेबल स्पून। और ये कुटी लाल मिर्च है एक टी स्पून। मैंने ज़ीरा डाला है और अपने टेस्ट के मुताबिक मैं नमक डाल रही हूँ, देखिए हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, थोड़ा सा और डाल दूँगी। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना आपका टेस्ट है नमक का। और मैं लाजमी लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट ज़रूर शामिल करती हूँ, ये एक टी स्पून है, ठीक है। और मैं अब इसमें बेसन डालूँगी। देखिए बहनों, मैं एक प्याली के करीब इसमें बेसन डाल रही हूँ और थोड़ी आधा प्याली और डाल दूँगी। देखिए बहनों, ये पालक पकौड़े का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसमें एक प्याली बेसन डाला है और अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। पानी इसमें इतना डाला है जितनी कि इसकी ज़रूरत है। आप देख लिए ये किस तरह से मैंने बैटर तैयार किया है। बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए और ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। देखिए, तमाम मसाले इसमें डाल दिए मैंने,
दरदरा पीस के मैंने धनिया की बीज डाला है, कुटी मिर्च डाला है और हरी मिर्चें डली हैं, धनिया का पत्ता डाला है और इसके अंदर ज़ीरा लाजमी डलेगी और थोड़ी सी मैंने एक टीस्पून लहसुन अदरक भी डाला है। अब ये बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा और मज़े का बनेगा और इसमें दो पिंच मैं सोडा डालूँगी बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहनों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो रहे हैं पालक के, जो कि अपने हाथ से मैंने लगाए और हार्वेस्ट किया। अब मैं इसको तलने लगी हूँ और इंशाल्लाह कुछ ही देर में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बारिश का मौसम है, वेदर बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है और इसमें पकौड़े ना हो तो मज़ा कैसे होगा, फैमिली के साथ कैसे इंजॉय करेंगे, सोचा ये बना दूँ। बहनों ये मेरा गर्मा गर्म पालक पकौड़े बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये देखें आप इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल दिल चाह रहा है बस जल्दी से इसको अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। और मैं अपने टमाटर की जो चटनी मैं बनाने जा रही हूँ उसके साथ इसको मैं गर्म गर्म अपने फैमिली को पेश करूँ और साथ में ख़ुद भी इंजॉय करूँ। देखिए ये रेडी हो गया माशाल्लाह से। बहनों देखिए मेरा ये गर्मा गर्म पालक पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। अब मैं इस चटनी की तैयारी कर रही हूँ। इसके अंदर मेरा फ्रेश टमाटो है जो मैंने हार्वेस्ट किया है, ताज़ा धनिया है और इसमें हरी लहसुन है, थोड़ा ज़ीरा है और ये हरी मिर्चें हैं। देखो मैं इसको बना रही हूँ, इसको हम इसी तरह बनाऊँगी और ये कुटते कुटते बहुत मज़े की चटनी बन जाएगी। एक लेमन भी डालूँगी। देखिए बहनों मैं अपने पालक पकौड़े का बिस्मिल्लाह करने जा रही हूँ, उसको खाने जा रही हूँ शाम के चाय के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चटनी है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक तरीके से मैंने इसको ग्रो किया था। माशाल्लाह से मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिला, कुकिंग भी माशाल्लाह एवन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी बहनों आपको अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।